हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अभिव्यक्ति में, और आज की ये वीडियो ख़ास आपके लिए, और इसमें मैं बताऊँगी मुर्गी और खटका के बारे में। जी हाँ, मुर्गी और खटका जो कि हमारे गायन में बहुत ही खूबसूरती लाते हैं, जिनके प्रयोग से बहुत सुंदर हमारा गायन लगता है, हमारा कोई भी गीत सुंदर गायकी से उत्प्रोत होता है। हर किसी की यही ख्वाहिश होती है जो बहुत मुश्किल से मुश्किल गाना, जैसे कहते हैं कि सेमी क्लासिकल का कोई गाना हमें नहीं आ रहा है और वो गाना चाहते हैं, तो उसमें जो मुर्गियाँ होती हैं उससे वो डर जाते हैं। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है अब, क्योंकि मुर्गियों को अगर हम समझ के गाएंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी मुर्गियाँ आएंगी, और खुद आपको ही नहीं अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, लेकिन उसके पीछे बहुत रियाज़ चाहिए होता है। तो अगर आप सही ढंग से रियाज़ करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से मुर्गी और खटका लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों को जो संगीत की इन बारीकियों को सीखना चाहते हैं। और आप सभी का जो ये इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद कहूँगी। तो आइए, बिल्कुल वीडियो में देरी ना करते हुए हम बात करते हैं मुर्गी और खटके के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे मुर्गी। मुर्गी यानी कि किसी भी तान का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा, जो कि सिर्फ तीन स्वरों से बनता है, तीन स्वरों से, और वो भी अर्धवृत्तकार में बनता है, तो उसको हम कहते हैं मुर्गी। और गोल गोल बनाते हुए उसको लेके जाते हैं और बहुत ही कोमलता से हम उसको गाते हुए आते हैं। जैसे कैसे इसके स्वर होते हैं देखिए, रे नि रे नि सा। तो कभी कभी मुर्गी में क्या होता है, जैसे कि हमने कण का, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कण के बारे में, एक दूसरा स्वर को स्पर्श करते हुए वापस अपने मुख्य स्वर पे आ जाना, और बिल्कुल ठीक इसी तरह से एक स्वर की जगह अगर हम दो स्वर को स्पर्श करते हुए आ जाएं तो वो होगी मुर्गी। जी हाँ, मुर्गी उसे ही कहते हैं जब हम दो स्वरों को स्पर्श करते हुए आ जाते हैं अपने मुख्य स्वर पर। तो कैसे, देखिए, सा सा, तो हमारा मुख्य स्वर है सा, और आसपास के जो दो स्वर हैं वो रे नि सा आ ग सा रे आ। तो इस तरह से ये अर्धवृत्तकार में जो है वो है मुर्गी। तो बहुत ही खूबसूरती से हमारा जो कंठ है बहुत सुंदर होता चला जाता है इसके रियाज से। तो देखिए, एक छोटी सी दादरा में कहाँ पर मुर्गियाँ कैसे आती हैं मैं आपको बताती हूँ। भैरवी में ही सूरज मुख ना जाई ओ बिंदिया का रंग उड़ा जाए, मोरी हाय राम बिंदिया का रंग उड़ जाए, सूरज मुख ना जाए ओ बिंदिया का रंग उड़ जाए। तो इस तरह से मुर्गियाँ जो खूबसूरती ये जो मेलोडी जनरेट कर रही है वो मुर्गियाँ ही हैं। इस तरह से आप भी गाएंगे, बस इसके पीछे एक थोड़ा सा रियाज होता है, और रियाज साधना से ही सब कुछ संभव है। कहते ना कि स्वर साधना है और साधना से सिद्धि प्राप्त होती है। तो यदि आपको अपने स्वर पर सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके बीच का जो माध्यम है साधना, वो करनी ही होगी, और वो है अलंकार। किस तरह के अलंकार आपको करने होंगे, तो बस जो है अपने रियाज को बिल्कुल ईश्वर की साधना की तरह कीजिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे खटके की। जी हाँ, तो खटका मुर्गी से बिल्कुल भी बहुत थोड़ा सा ही फ़र्क है। जैसे मुर्गी थी उसी तरह से खटका भी है, लेकिन खटके में आपको तीन नहीं बल्कि चार स्वर मिलेंगे। और जैसा कि खटके को कहा जा रहा है कि खटका, यानी कि एक कुछ खटका, यानी कि एक झटके से स्वर लेकर के हम जब आगे के स्वरों को टच करते हुए अपने मुख्य स्वर पर आते हैं,
तो वो है खटका। और खटके से एक और बात होती है कि गले में हमारे दाना तैयार होता है जो हमारे तानों को और खूबसूरत बना देता है। तो कैसे होता है खटका, आइए देख लेते हैं। जैसे हम पंचम का खटका लेते हैं, तो पा, ये देखिए पा मा 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 पा गा मा, तो ये मा का खटका है। पा पा दा मा पा मा मा मा, तो इस तरह से। और सारे गा गा मा मा पा आ आ पा दा मा पा। तो ये जो आपने देखा पंचम का जो खटका था उसको हम लिखेंगे, तो कभी कभी हम इसको पा को लिख करके और कोष्टक बंद भी कर देते हैं, यानी ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और पा दा मा पा लिख करके हम नीचे से ऐसे बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लिखने में आ जाएगा। और खटके के प्रयोग से और मुर्गी के प्रयोग से आप बहुत ही सुंदर आपका गायन होगा। तो खटके का प्रयोग मुझे बहुत ही खूबसूरत एक गीत मैंने प्यार किया मूवी का है, जो कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का गाया हुआ है, वो मुझे याद आ गया। तो वो उसमें देखिए कितनी खूबसूरती से खटके का प्रयोग हुआ है। तो आइए देखते हैं। कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, ये देखिए ये तोहरी सजनिया, ये तोहरी सजनिया पग पग लीह जाए तोहरी बलिया, पग पग लीह जाए तोहरी बलिया। तो देखा आपने किस तरह से, जैसे जब खटका आते ही एकदम दिल एकदम मन रोमांचित हो गया और बहुत ही अच्छा लगने लगा, कानों को भी अच्छा लगने लगा और मन को भी। और जब हमें खुद को अपना संगीत अच्छा लगने लगता है, हम खुद खो जाते हैं, तो समझिए कि सामने वाले जितने भी जो भी बैठे होंगे वो वास्तव में खोएंगे और उन्हें खोना होगा। तो आइए अब हम सीखेंगे मुर्गियों को किस तरह से सीखा जाए। तो मुर्गी यानी छोटी सी तान जो कि अर्धवृत्त में है, और इसको हम किस तरह से गाएंगे जो हमारे गले पर ये सेट हो जाएगी, और किसी भी गीत भजन में जब हम इसको लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत बन के आएगी। तो उसका करेंगे रियाज। सा रे नी सा, देखिए जो लास्ट में स्वर हमें मिल रहा है सा, वही हमारा मेन स्वर है, यानी कि जो रेस्टिंग नोट मिल रहा है वही हमारा मुर्गी का स्वर है। रेनी सा रेनी सा रेनी सा, रेनी सा से हमें अर्धवृत्तकार एक गोल स्वरूप मिल रहा है। रेनी सा सा रेनी सा ग सा रे रे सा रे, देखिए इस तरह से रे नी सा ग सा रे मरेगा गा मरेगा पगमा मा मा धम पा 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 निभदा धा धानी नी 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 रेनी सा रेनी सा 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 सा। मुर्गी का इस तरह से आप जब रियाज करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपके गायकी में जो एक सुंदरता आएगी। ये एक तरह के ऑर्नामेंट्स होते हैं जो कि हमारे डेकोरेशन का कार्य करते हैं, तो आपके जो गायन होगा उसमें एक अलग से ही एक सौंदर्य दिखेगा, क्योंकि ये सभी चाहते हैं कि हमारी गायकी में एक आकर्षण हो, और वो आकर्षण इन्हीं ऑर्नामेंट्स से ही आता है। तो आइए करते हैं खटके का रियाज। खटके के रियाज में हम ये जानेंगे कि जिस स्वर का खटका
हम लेंगे उसी स्वर से प्रारंभ करेंगे और उसी से उसका अंत भी होगा। इसी तरह से हर स्वर का यही नियम है। आइए देखें, सारी निसा आ सा का खटका, सारी निसा रेगा सारे गम रेगा गा गम रेगा मापा गामा पाधा मापा पा धानी पदा निसा धानी आ सारी निसा सा सारी निसा सा का खटका निसा धानी नी का खटका धा धानी पदा धा 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 पद मा पा मा मा प ग मा मा गम रे गा गम रे गा गम रे गा फिर रे गा सा रे 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 सारे निजा। तो इस तरह से आप खटके का रियाज कीजिए। किसी भी अन्य राग में लेने के लिए आपको ये नियम नहीं बदलना है, लेकिन रागों के चलन के हिसाब से आपको खटके का अभ्यास करना होगा। खटके के रियाज में क्या होता है, एक एक स्वर अलग अलग करके हमें रियाज करना पड़ता है, तो उससे गले में एक दाना तैयार हो जाता है जो और भी खूबसूरत लगता है। लेकिन जब खटके के साथ मुरकी का प्रयोग सौम्यता से करते हैं तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो बिल्कुल करते रहिए इसी तरह से रियाज, और इसी तरह की वीडियोज़ लेकर के मैं जल्द ही आती रहूँगी आपके साथ अभिव्यक्ति के साथ। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह अपना साथ बनाए रखिए। अपने सुंदर सुंदर कमेंट्स हमें भेजिए, और ये भी भेजिए कि आप किस शहर से हैं या किस देश के हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही हौसला मिलता है। इसी तरह से लाती रहूँगी नई नई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।